हमारा नाम है ज्ञान और हम हैं बिहार से। क्या बात है। सभी बिहारी दिखने में मजदूर और वॉचमैन जैसा नहीं होते हैं। आपके यहाँ के जो डीजीपी हैं वो भी बिहारी हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितनों को लगता है कि बिहार का राजकीय गाना लॉलीपॉप लागेलू है? तो क्या है ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अच्छा बिहार से हो, लॉलीपॉप लागेलू सुनाओ ना। तो ये हमको नहीं आता है। एक और चीज लोग हमसे पूछते रहते हैं, अच्छा बिहार से हो, तुम्हारे घर में तो कट्टा भी होगा। कट्टा जानते हैं, वही गैंग शॉप वैसे कुरबला। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे सब लोग अपने घर में टूथब्रश रखते हैं, वैसे बिहारी अपने घर में कट्टा रखता होगा। ऐसा नहीं है एक्चुअली में। अभी हाल में शादी का सीजन गया था तो कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा सुने कि बिहार में अपहरण करके शादी करा लिया जाता है। ऐसा पहले होता था जरूर, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। यदि उस समय कोई एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि सुयोग्य वर होता था तो यदि वो मार्केट गया या फिर कहीं दूसरी बारात में गया तो उसे वहीं से उठा लिया जाता था, पहले बढ़िया से कूट दिया जाता था और फिर उसको शादी कर जबरदस्ती मंडप में बैठा के शादी करा दिया जाता था। ऐसा होता था पहले, अभी नहीं होता है। तो बहुत लोगों को ऐसा डाउट लगता है कि मैं उसकी डर से यहाँ पे हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी हाल में ना यूपीएससी का रिजल्ट निकला था तो कुछ लोग हमसे पूछे कि अच्छा यूपीएससी का रिजल्ट निकला है तो ये थे क्या, कैसा गया? तो सही बात है, यूपीएससी के बारे में पूछेगा ना तो हम जरूर कुछ बोलेंगे। कहे कि बिहार में जाइएगा ना आप तो सबके बचपन का एक मकसद होता है, बड़ा होकर के यूपीएससी करेंगे, आईएएस करेंगे, कलेक्टर बनेंगे। हम लोग जब बचपन में अपने बड़े बुजुर्ग को पैर छू के प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद में यही बोलते हैं कि बड़ा होकर कलेक्टर बनो। सही में हमारे इधर ना सरकारी नौकरी का बहुत ही क्रेज है। जब भी हम गाँव जाते हैं तो हमारे जो चचा हैं वो बोलते हैं कि अच्छा बाबू क्या करते हो? जैसे हम नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं। तो कौन सा है कंपनी, सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट नहीं बोलते, प्राइवेट बोलते हैं। तो प्राइवेट है। अरे गुरुबक सरकारी नौकरी की तैयारी करो ना, वो देखो मुंचुम्मा है, रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है, उसको दहेज में 25 लाख रुपया भी मिलने वाला है। सही बात, दहेज जो कि सबसे बेकार चीज है अभी बिहार में है, बहुत और भी देश के दूसरे जगह में भी है। तो वहां पर क्या होता है कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से रेट फिक्स होता है। यदि आप कैसा जॉब करते हो, यदि आप एसएससी में हो या फिर आप बैंक में पीओ हो या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो, उसके हिसाब से रेट फिक्स होता है। यदि आप आईएएस हो तब तो आप अनमोल रतन हो गए। तो हम यूपीएससी का एग्जाम अभी तक तो नहीं दिए हैं, लेकिन बचपन का जो सपना अभी तक मेरे कोना में है ही, कभी ना कभी जरूर देंगे जब तक एज बचा रहेगा तो। और इस बीच में हम बीटेक कर लिए थे। यहाँ पर शायद कितने लोग इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर भी है, काहे किए थे इंजीनियर? नजीर ने सही बताया था कि अपने यहाँ पर एक ट्रेंड हो गया, पहले लोग इंजीनियरिंग करते फिर सोचते कि आगे क्या करेंगे। तो हमने इंजीनियरिंग कर लिए थे, वहाँ पटना से किए थे, एनआईटी पटना से। तो उसके बाद प्लेसमेंट हो गया तो बिहार में कंपनी तो है नहीं, तो नौकरी लगा, तो नौकरी लगा गुजरात में। तो आगे ट्रेन पकड़ के 40 घंटा का ट्रेन का जर्नी था। सही में आप लोगों में से बहुत लोग ट्रेन का जर्नी इतना लंबा नहीं किए होंगे, या आप लोग तो यहाँ बड़ौदा से मुंबई, मुंबई से बड़ौदा। हमारे इधर का तो बहुत लोग होता है ना, तो वो कहीं पर भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होगा, कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, सूरत में हो, कहीं पर भी जाके एग्जाम दे के घर से आ जाता है ट्रेन पकड़ के। सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है जो कि पहले बता दिया है। तब जब हम आए ना गुजरात में तो शुरू में तो ज्यादा कुछ अता पता था नहीं, इतना बस सुन के रखे थे कि आप लोग मीठा मीठा बहुत खाते हो। एक बार हम कैंटीन में बैठे थे कंपनी के कैंटीन में, तो एक हमारे बगल में मित्र थे, वो जोर से बोले, कह रहे जरा मिठू लेके आना। तो हम भी बोले मेरे लिए भी 2 मिठू लेके आना। तो नमक का डिब्बा लेके आ गए वो। तो हम कह रहे भैया ये तो नमक है, मिठू कहाँ है? तो अरे यही तो मिठू है। तो बोले अरे यार पागल कर रहे हो क्या, हमको तो लग रहा है मिठू मतलब कोई मिठाई होगा, मिठू मतलब कोई अनजान आदमी क्या समझेगा, मीठा से रिलेटेड कुछ चीज होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा छोटा सा हादसा हुआ। फिर एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों का ना जीके जनरल नॉलेज थोड़ा सा कमजोर होता है। एक बार हम एक दोस्त के यहाँ पर गए हुए थे तो वहाँ पर पड़ोसी का एक लड़का आया और हमसे पूछा कि भैया आपका घर कहाँ है? तो हम बोले हम तो बिहार से हैं। फिर हम उसे सवाल किए कि अच्छा तुम बताओ कि बिहार कहाँ आता है, बिहार यूपी में है या फिर पटना में है? ये बड़ा सवाल था। वो थोड़ा सोचा फिर जवाब दिया कि
बिहार यूपी में है। बोले वाह बेटा तुम जवाब कैसे दिए? हम तो लॉजिक लगा के जवाब दिए। तो अच्छा लॉजिक बताओ जरा। अब वो गाना सुने थे ना कि आई हूँ यूपी बिहार लूटने, उससे हमको ऐसा लगा कि बिहार यूपी में आता होगा। खैर छोड़िए, एक बार और हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो एक हमारे कलीग आए पेपर लेके, बोलते हैं कि आमा सुसु कर बाबू शेर। मैंने पगला गए हो क्या? पहले बगल में पेपर में लेके सुसु कर रहे हो? मोदी जी पूरा स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं भारत में, तुम ये गंदगी यहाँ पर फैलाने की बात कर रहे हो? हम क्या करते हैं, हमारे से तो सुसु का मतलब टॉयलेट होता है, बताइए। इसका तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। ऐसा और भी बहुत सारा बात है लेकिन शायद उतना समय है नहीं मेरे पास, तो हम ज्यादा बतियाएंगे नहीं। फिर कभी मिलेंगे तो और बहुत सारा बात है उतना बतियाएंगे। और एक चीज बताना चाहेंगे लास्ट में कि बड़ौदा के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। हम घर से इतना दूर है, हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी एक फैमिली जैसा आपको लगता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि आप लोग जो अभी भी एक बार भी बिहार विजिट नहीं किए हैं, एक बार जरूर विजिट करिए। आपके मन में जो भी इमेज बना हुआ बिहार के बारे में, आपको एक्चुअली में उससे उल्टा और उससे अच्छा जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। हमें भी आपकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा मजा आया ज्ञान। आई थिंक मैंने पहली बार आपको इस रूप में और इस रंग में देखा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।